जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत वर्ष खास कार्यक्रम में आज उपस्थित हुई है वृश्चिक राशि, जुलाई माह का राशिफल। वृश्चिक राशि वालों की जुलाई माह का राशिफल क्या कह रहा है और कैसी योजनाओं के साथ आप व्यापार सफलता पाना चाहते हैं, नया मकान की योजना बन रही है आपकी, गाड़ी लेना चाहते हैं, या उसके साथ साथ जो भी आपकी कामना हो उस महीने में हम विस्तार से बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सबसे पहले हम जानते हैं इसमें विशेष फेस्टिवल क्या पड़ रहे हैं। गोप नवरात्र में जो चल रहा है 30 जून से शुरू होगा, तो माँ की पूजा करें। 8 जुलाई तक रहेगा। तीसरा, आपके 13 जुलाई को जो है गुरु पूर्णिमा है, जो आपके गुरु मुख हैं जिनसे आप उनसे आशीर्वाद लें, आपको सफलता मिलेगी। दूसरा, आपके 14 तारीख से श्रावण मास प्रारंभ हो जाएगा। वृश्चिक राशि वाले भगवान शिव की पूजा करें। चंद्रमा आपका स्वामी होता है, तो भगवान शिव की पूजा करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और 8 तारीख तक मंगलिक कार्य होंगे, शादी वगैरह उसके बाद बंद हो जाएंगे। दूसरा, वृश्चिक राशि स्वामी मंगल होते हैं, ऐसे व्यक्ति सेनापति होते हैं, हठी होते हैं, जहाँ कोई ना पहुँच सके वो ये पहुँच जाते हैं। और इनकी जो भावनाएँ होती हैं बहुत अलग होती है, इनका मन स्थिर नहीं रहता है, इनका मन चलामार रहता है, और किसी की बातों में आ जाते हैं और किसी की बातों में नहीं आते हैं, अपने आप में कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। तो जल्दी बोलना, जल्दी खाना, जल्दी जल्दी कोई काम करते तो आपको उसमें नुकसान होने की संभावना बनेगी। आपकी हेल्थ की बात करते तो आपके गले में और कंठ में जुकाम इत्यादि आपको सदा होता रहेगा। गले में तो नहीं ज़्यादा, पर आप खान पान में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके जीवन में अचानक से जो भी है आपका स्वास्थ्य खराब होता है और जुकाम नज़ला आपको सदा बना रहता है। दूसरा, धन की भी बात करते, धन आपके जीवन में जितना आप कर्म करेंगे, जितना आप ईमानदारी से अपना काम धर्म कर्म करेंगे, उससे धन आपकी संभावना है मिलेगा और आपको सफलता मिलेगी। दूसरा, आपके जो साझेदारी की बात करते हैं, बुजुर्गों का जो कुटुंब है, दोस्त, उनसे भी आपको संभावना दोस्त बनेंगे आपके, लेकिन कंटिन्यू आपके नहीं रह पाएंगे, कहीं ना कहीं वो बिछड़ जाएंगे। परिवार से आपको पूर्ण सपोर्ट मिलेगा। पराक्रम की यदि बात करते हैं, आपके शनि रहेंगे वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के हिसाब से, तो कुंभ राशि में शनि भ्रमण कर रहे हैं, अभी बकरी होकर फिर चले जाएंगे मकर राशि में। ऐसे में क्या है कि शनि जो बकरी होता है जन्म का, अच्छा लाभ देता है, वैसे जो शनि होता है तो अच्छा लाभ नहीं देता है। फिर भी आपका शनि चतुर्थ में रहेंगे तो आप जो सामना करना चाहते हैं, मतलब मेहनत का, परिश्रम का, उसमें आपको अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरा, आपके साथ साथ और लोग जुड़े हुए हैं जो आपकी जिम्मेदारी हैं, उनमें भी आप कहीं ना कहीं सफल होने के आपको संकेत मिलेंगे। दूसरा, गुरु जो आपका भाग में पंचम में भ्रमण करेगा, यदि कोई विद्यार्थी हैं, अध्ययन कर रहे हैं विद्या के लिए, प्राप्ति के लिए, उनका भी एक अच्छा योग बन रहा है, जिससे विद्या को प्राप्त करके अपने लक्ष्य तक जाएंगे। सरकार है, डिफेंस है, मल्टी नेशनल कंपनी में दिया, कोई ने आपने परीक्षा दी है, इंटरव्यू दिया है, तो उससे भी आपको एक अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनेगी। दूसरा, आपके सूर्य षष्ठ में है, तो ऐसे में आपके शत्रु पक्ष होता है वो मजबूत नहीं रहेगा, शत्रु से आपको एक विजय की प्राप्ति होगी, आपने जीवन में आगे उसमें बढ़ते चले जाएंगे। दूसरा, आप वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या है कि मंगल और राहु की युति बनी हुई है, ऐसे में क्या है कि विस्फोटक बना हुआ है, जो आप चीज सोचते हो आपकी चीज़ें नहीं हो पाती है। सप्तम भाव में आपका बुध शुक्र भद्र योग बना हुआ है, साझेदारी व्यापार में करना चाह रहे हैं, सफल हो गए कर लो, शादी विवाद भाग्योदय होगा, ये क्लियर है। और पिता के प्रति थोड़ा सा स्वास्थ्य अस्वस्थ होने की संभावना बनेगी, पिता का आपको ख्याल रखना, देखभाल करना है। धन आपके जीवन में बहुत आएगा, पर बहुत नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धन को जहाँ खर्च करना है वहाँ आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और जहाँ नहीं करना वहाँ कर देते हो तो आप पछताते हो, ये आपके साथ चीज़ चल रही है। दूसरा, आपको धन के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, यदि आप प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ सेनापति जो मंगल होता है, भूमि दिलाएगा, प्रॉपर्टी दिलाएगा, उसके लिए आप मंगल की होरा में जागृत करके इटालियन देश का मूंगा धारण करें, उससे आपको लाभ होगा, पहला। दूसरा, आप मंगलवार की पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा करें, मंगलवार की पूजा करें, उसमें आप हनुमान जी को 14 चढ़ाएँ और गुड़ चने का अनार का भोग लगाएं, जिससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। सिंदूर भी चढ़ा सकते हो, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और वृश्चिक राशि में सबसे बड़ा क्या होता है कि अपने मन को आप स्वस्थ रखें, मन को मतलब प्रसन्न रखें, जिससे आपको लाभ होगा। तीसरा, जो रणनीति आप बना रहे हैं किसी काम में, वो काम आपका नहीं हो पा रहा था, तो मैं चाहता हूँ कि पिछले एक वर्ष के उपरांत और अब तक का जो समय है आपके लिए बहुत खुशखबरी लेकर आया है, इसमें आपने बहुत सी बड़े काम किए हैं, उसमें आपको लाभ भी मिला हुआ है, आप जानते हैं। विशेष यदि आपको कुंडली के हिसाब से विश्लेषण कराना चाहते हैं, कोई नया काम आप करें, तो कुंडली को पहले दिखवाएं, उसको दिखाने के बाद करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी और एक आपका सफल राज्य बनेगा।
इसलिए समय के हिसाब से अभाव होता है। अपना ध्यान रखें। जय माता दी।